हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। दोस्तों, रणवीर सिंह एक टैलेंटेड एक्टर ही नहीं बल्कि एक एंटरटेनिंग इंसान भी हैं, जो कि ना सिर्फ ऑन स्क्रीन बल्कि ऑफ स्क्रीन पर भी अपने फैंस का एंटरटेनमेंट करने से पीछे नहीं रहते। मूवी में बेहतरीन कलाकारी हो या फिर उनका अपने फैंस के साथ इंटरेक्शन, रणवीर किसी भी बात में पीछे नहीं रहते। फर्स्ट मूवी के लिए काफी स्ट्रगल करने वाले ये एक्टर आज बॉलीवुड के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स हैं। इनके लुक और फिटनेस के लाखों दीवाने हैं। आज हम आपको बताएंगे रणवीर सिंह की लाइफ से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। दीपिका, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि तुम हो मेरी हर फिल्म की हीरोइन, क्योंकि तुम्हारे बिना इसकी कोई फिल्म चल नहीं पाएगी। दो दिन साइड पार्टीज। नंबर एक, निकनेम है बिट्टू। दोस्तों, आप इस बात को शायद नहीं जानते होंगे कि रणवीर सिंह का निकनेम बिट्टू है और इसके अलावा उन्हें उनकी फैमिली रैम्बो नाम से भी बुलाती है। नंबर दो, सरनेम को किया शॉर्ट। दोस्तों, रणवीर सिंह का पूरा नाम रणवीर सिंह भवनानी है, लेकिन क्योंकि उन्हें मूवीज में आना था इसलिए रणवीर को अपना सरनेम काफी लॉन्ग लगा और उन्होंने अपने नाम से भवनानी को हटा दिया था। नंबर तीन, बचपन से ही है सुपर एंटरटेनर। रणवीर को बचपन से ही डांस और एक्टिंग करना काफी पसंद था। वो बताते हैं कि एक बार किसी की बर्थडे पार्टी में उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें डांस करने को कहा और रणवीर बिना हिचकिचाए लॉन में जाकर डांस करने लगे थे। नंबर चार, शू कलेक्शन का है शौक। रणवीर सिंह को शू कलेक्शन करना और हैट कलेक्ट करना काफी पसंद है। वो कहीं भी जाते हैं तो शॉपिंग के टाइम उनका मेन फोकस शूज और हैट्स ही होता है। नंबर पाँच, फुटबॉल और क्रिकेट लवर। आपको बता दें कि रणवीर को फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही देखना और खेलना काफी पसंद है। क्रिकेट के लेजेंड कपिल देव की बायोपिक मूवी में हम रणवीर को जल्द ही देखने वाले हैं। नंबर छह, फैन ऑफ बेसन का लड्डू। रणवीर सिंह को बेसन के लड्डू बेहद पसंद हैं। इसके अलावा उन्हें चीज और चॉकलेट भी काफी अच्छा लगता है। नंबर सात, कॉलेज डेज के दौरान किया था अहाना दियोल को डेट। अपने कॉलेज डेज में रणवीर ने हेमा मालिनी की छोटी बेटी अहाना को डेट किया था। इसके अलावा अनुष्का शर्मा के साथ भी उनके अफेयर के रूमर सुनने को मिले थे। नंबर आठ, राजा बाबू इज हिज स्पिरिट कैरेक्टर। रणवीर सिंह गोविंद के बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने उनकी सुपरहिट मूवी राजा बाबू को न जाने कितनी बार देखा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रणवीर की रिंगटोन भी इसी मूवी के फेमस सॉन्ग राजू बाबू की है। खुद की मेहनत से मैं जितनी ताकत किस्मत में नहीं उतनी रहमत में। खत की है आफत की, हिमाकत की, इबादत की अदालत, ये है चाहत की, मोहब्बत की, शोहरत की, अब लालच नहीं है तेरे भाई जैसा कोई हारिच नहीं है। नंबर नौ, अमेजिंग रैपर। आप शायद नहीं जानते होंगे कि एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ रणवीर काफी अच्छे रैपर भी हैं। उन्होंने गली बॉय मूवी में भी रैपिंग करी थी। नंबर दस, ग्रेजुएशन इन बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑफ डिग्री। रणवीर किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है और यही वजह थी कि उन्होंने पहले ग्रेजुएशन करना ठीक समझा। उन्होंने US में इंडियाना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है जहाँ उनका मेन फोकस क्रिएटिव राइटिंग में रहा। नंबर ग्यारह, एज अ कॉपी राइटर किया है काम। ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने के साथ साथ रणवीर ने थिएटर भी कंटिन्यू किया और इसके बाद उन्होंने कुछ सालों तक एडवर्टाइजिंग में ONM एंड जे वॉल्टर थॉमसन जैसी एजेंसीज के साथ एज अ कॉपी राइटर भी काम किया। नंबर 12, रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर। मूवीज में अपनी काबिलियत दिखाने से पहले रणवीर सिंह ने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया है। उन्होंने शाद अली की मूवी बंटी और बबली में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था। नंबर 13, माइनर रोल्स के लिए आते थे कॉल्स। रणवीर ने एक्टिंग में करियर बनाने का डिसाइड किया और डायरेक्टर्स को अपना पोर्टफोलियो भेजा, लेकिन उन्हें कहीं भी मौका नहीं दिया गया एंड इन फैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में उन्हें माइनर रोल्स के लिए ही कॉल किया जाता था। नंबर 14, स्ट्रगलिंग डेज में किया कास्टिंग काउच फेस। दोस्तों, कास्टिंग काउच बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक आम चीज है। रणवीर को भी अपने स्ट्रगलिंग डेज में कास्टिंग काउच से गुजरना पड़ा था जहां उन्हें कास्टिंग डायरेक्टर ने अपने घर बुलाकर कहा कि अगर तुम्हें ऑडिशन पास करना है तो मेरे लिए कुछ स्पेशल करना होगा, जिसे सुनकर रणवीर समझ गए थे कि ये ठीक नहीं है और वो उस ऑफर को रिजेक्ट करके वहाँ से वापस आ गए थे। नंबर 15, बॉलीवुड डेब्यू। साल 2010 में आई बैंड बाजा बारात रणवीर सिंह की डेब्यू मूवी थी जिसमें उन्होंने एज ए लीड बिट्टू शर्मा का रोल प्ले किया था। इस रोल के लिए उन्हें लगातार दो हफ्ते तक ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। इस मूवी में रणवीर की एक्टिंग ने ना सिर्फ ऑडियंस बल्कि क्रिटिक्स को भी काफी इम्प्रेस किया था। नंबर 16, बेस्ट मेल डेब्यू। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए रणवीर को 56th फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी दिया गया था। नंबर 17, करण जोहर
ग्रोवर ने किया था रिजेक्ट। बैंड बाजा बारात के लिए आदित्य चोपड़ा रणवीर सिंह को साइन कर चुके थे, लेकिन उन्हें देखकर करण जौहर ने कहा कि ये लड़का ऑडियंस को पसंद नहीं आने वाला है। हालांकि मूवी रिलीज होने के बाद जब उन्होंने रणवीर की परफॉर्मेंस देखी तो वो समझ गए कि वो गलत थे। नंबर 18, लुटेरा मूवी में खुद को किया था रियल में हर्ट। लुटेरा मूवी में एक सीन होता है जहाँ रणवीर को गोली लग जाती है। आपको शायद नहीं पता होगा कि इस सीन में पेन फील करने के लिए रणवीर ने खुद की स्किन पर स्टेपलर चलाया था, जिसकी वजह से उन्हें पेन फील हो रहा था, और फिर यही पेन हमें स्क्रीन पर देखने को भी मिला था। आसमान का हर सितारा चांद बनना चाहने का फूल बन नहीं सकता। सुल्तान की ख्वाहिश पूरी करो और हमारे कहर के लिए तैयार हो। नंबर 19, खिलजी का कैरेक्टर हुआ था हावी। खिलजी के कैरेक्टर में हमने रणवीर की सुपर्ब एक्टिंग एबिलिटीज को देखा था, लेकिन इस कैरेक्टर को निभाते निभाते रणवीर काफी अग्रेसिव हो गए थे। एक बार सेट पर किसी वर्कर को छोटी सी गलती पर उन्हें काफी गुस्सा आ गया था, जिसके बाद वो समझ गए कि ये कैरेक्टर उन पर हावी हो रहा है, जिसके बाद वो अपने पेरेंट्स को शूट पर बुलाते थे और शूट खत्म होने के बाद उन्हीं के साथ टाइम स्पेंड करते थे। नंबर 20, बाजीराव के कैरेक्टर के लिए खुद को किया था रूम में लॉक। बाजीराव का कैरेक्टर रणवीर के लिए काफी यूनिक और चैलेंजिंग था। इस रोल को अच्छे से निभाने के लिए उन्होंने बाजीराव से रिलेटेड प्लेज, किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी और खुद को 3 हफ्तों तक रूम में बंद करके इसके लिए रेडी किया था। नंबर 21, लव एट फर्स्ट साइट। रणवीर ने दीपिका को एक अवार्ड फंक्शन में फर्स्ट टाइम आमने सामने देखा था। रणवीर ने कहा कि वो इतनी गॉर्जियस लग रही थी कि मैं पहली बार में ही उनका दीवाना बन गया था। नंबर 22, शादी के बाद शिफ्ट हुए दीपिका के घर। दोस्तों, आप शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि शादी के बाद रणवीर दीपिका के घर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि दीपिका अपने घर को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहती थी। नंबर 23, बॉम्बे वेलवेट को किया था रिजेक्ट। आपको बता दें कि बॉम्बे वेलवेट के लिए पहले रणवीर सिंह को ऑफर किया गया था, लेकिन रणवीर ऑलरेडी बाजीराव मस्तानी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें मूवी रिजेक्ट करनी पड़ी थी। नंबर 24, फादर संभालते हैं मनी एरिया। रणवीर इतने पॉपुलर होने के बाद भी अपने पैसे का हिसाब नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि मुझे मनी मैनेजमेंट नहीं आता और इसलिए मैं हमेशा से ये काम अपने फादर को ही सौंप देता हूँ। नंबर 25, बाजीराव मस्तानी के शूट के दौरान हुए थे हर्ट। बाजीराव मस्तानी मूवी में एक डेंजरस स्टंट को परफॉर्म करते हुए रणवीर के राइट हैंड शोल्डर में काफी चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहां उनकी सर्जरी भी की गई थी। तो दोस्तों, ये थे रणवीर सिंह से रिलेटेड कुछ अनसुने फैक्ट्स। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।